डर्टी पॉलिटिक्स में पहले ही बता दिया गया है कि कहानी काल्पनिक है, जबकि सभी जानते हैं कि प्रेरणा कहां से ली गई है। फिल्म की कहानी में इतना दम तो है कि इस पर एक अच्छी मसाला फिल्म बनाई जा सके, लेकिन उबाऊ फिल्म बना दी गई है। निर्देशक हैं केसी बोकाड़िया, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में अनेक सफल मसाला फिल्में बनाई हैं। अफसोस की बात है कि उनका प्रस्तुतिकरण अभी भी उस दौर का है, जबकि दर्शकों की रुचि अब बहुत बदल गई है। यह फिल्म गंदी राजनीति की बात करती है, जिसमें नेता अपना हित साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बूढ़े नेता दीनानाथ का दिल नाचने वाली खूबसूरत अनोखी देवी पर आ जाता है। दीनानाथ अपने साथी दयाल के जरिए अनोखी देवी को ऊंचे सपने दिखाता है। पैसे और पावर का जादू अनोखी पर चल जाता है। लालच में वह दीनानाथ की हर मुराद पूरी करती है। चुनाव में अनोखी को दीनानाथ उसके पसंदीदा शहर से टिकट नहीं दिलवाकर अपने पट्टे मुख्तार को टिकट दिला देता है। अनोखी को यह बात चुभ जाती है। वह दीनानाथ के काले कारनामों की सीढ़ी उजागर करने की धमकी देती है। दीनानाथ अपनी इज्जत बचाने के लिए अनोखी का कत्ल करा देता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अनोखी देवी के अचानक गायब होने के मामले को एक ईमानदार व्यक्ति मनोहर सिंह उठाता है। सीबीआई जांच बिठाई जाती है। क्या शक्तिशाली नेता दीनानाथ तक पुलिस पहुंच पाती है? यह फिल्म का सार है। कहानी में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिलते। मुख्तार क्यों अनोखी देवी को मारने के लिए तैयार हो जाता है, यह स्पष्ट नहीं है। दयाल मन ही मन दीनानाथ से जलता है, इसके बावजूद वह उसकी हमेशा मदद क्यों करता है, यह समझ से परे है। इसके अलावा खराब स्क्रिप्ट और निर्देशन इस फिल्म को ले डूबा। केसी बोकाड़िया ने आधी से ज्यादा फिल्म एक ही बंगले में शूट कर डाली और ताबड़तोड़ काम खत्म किया है। फिल्म में पात्र इतनी बकबक करते हैं कि दर्शक पक जाते हैं। फिल्म में एक्शन कम और बातचीत बहुत ज्यादा है। बोकाड़िया शायद भूल गए कि वे फिल्म बना रहे हैं, कोई रेडियो कार्यक्रम नहीं। फिल्म में बेमतलब के ढेर सारे दृश्य हैं, जिनके कारण फिल्म उबाऊ और थका देने की हद तक लंबी हो गई है। अनोखी देवी फिल्म का मुख्य पात्र है, लेकिन उस पर ज्यादा मेहनत नहीं की गई। उसकी लालच को निर्देशक ठीक से दिखा नहीं पाए। उसकी तुलना में विलेन दीनानाथ पर ज्यादा फुटेज खर्च किए गए हैं। अनोखी देवी की हत्या वाले महत्वपूर्ण प्रसंग को भी सतही तरीके से फिल्माया गया है। फिल्म का कमजोर अंत लेखक की कमजोरी को उजागर करता है। ढेर सारे प्रतिभाशाली कलाकारों के जरिए केसी बोकाड़िया ने अपनी सीमित प्रतिभा को ढकने की कोशिश की है, लेकिन कामयाब नहीं रहे हैं। अच्छी स्क्रिप्ट के अभाव में ये कलाकार आखिर कब तक किला लड़ा सकते थे? मल्लिका शेरावत ने थोड़ी बहुत एक्टिंग के साथ एक्सपोज भी किया। ओमपुरी ने भ्रष्ट नेता का रोल अच्छी तरह से निभाया, लेकिन वे उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए जिस एक्टर ओमपुरी को हम जानते हैं। नसीरुद्दीन शाह, आशुतोष राणा, अनुपम खेर, गोविंद नामदेव, जैकी श्रॉफ, सुशांत सिंह, अतुल कुलकर्णी के हिस्से जितना आया उन्होंने अच्छी तरह से निभाया। कुल मिलाकर डर्टी पॉलिटिक्स ऐसी फिल्म नहीं है जिस पर पैसा और समय खर्च किया जाए। इस फिल्म को मैं 5 में से 1 नंबर देता हूं।